लेवल है जिसमें से ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जॉनर लेवल के लिए। तो हम इन सभी बच्चों के लिए, पहले तो बच्चे आप अपने लिए ही जोरदार तालियां बजाइए कि आप इतने लेवल क्रॉस करके आप यहाँ पर आए हैं। तो वार्म वेलकम है आप लोगों का कि आप इस स्टेज पर पहुँचे, इतने लेवल आपने क्रॉस किए। मेरे स्कूल नहीं हुआ था, मेरे स्कूल के बच्चे नहीं आए उसमें, लेकिन आप लोग भी सब मेरे ही बच्चे हैं, हमारे स्टेट के बच्चे हैं, हमारे आसपास जो भी स्टेट हैं। देखिए मुझे अभी पता लगा यूपी से भी हैं, हरियाणा से भी हैं, पंजाब से भी हैं, तो सारी जगह के बच्चे आए हुए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इस लेवल पर पहुँचे। और आज इन्होंने जो निकाला होगा रिजल्ट, मुझे उम्मीद है कि आप में से जो भी बेस्ट तीन टीमें जो निकली होंगी वो बेस्ट इन्होंने निकाली हैं, तो ऑल स्टेट्स का भी नाम रोशन करें। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग अपने बच्चों के लिए यहाँ तक आए। केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि पैन इंडिया से जो बेस्ट बच्चे हैं, सभी बेस्ट हैं, बट कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टेम्पर उनका बहुत अच्छा है, उनको हम लोग ऊपर लेके जाए और उनको वो जो अपॉर्चुनिटी है वो दे, वो विदर आए। लेकिन इससे ये नहीं होता कि जो बच्चे नहीं जीते हैं, दे आर नॉट कॉम्पिटिटिव और वो उतना नहीं है, उनको भी हम लोग पूरा फैसिलिटेट करते हैं। साथ में नेक्स्ट ईयर दोबारा वी कंडक्ट दिस कॉम्पिटिशन एवरी ईयर, तो नेक्स्ट ईयर ऑल्सो दे कैन पार्टिसिपेट, दे कैन बी पार्ट ऑफ दिस। लेकिन एक अच्छी जगह पे एक्सपोजर मिला आने का, मिलने का, अपने काम को करने का, तो ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया कि वाटर के ऊपर ही सारे बच्चे काम करेंगे? वाटर मतलब हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, हम उसको वेस्टेज ना करें। चलिए फिर भी एक अच्छी जगह पे आप आए हैं। वाह क्या बनाया बच्चों आपने? अच्छा बारिश होने से पहले संकेत दे देगा? वाह क्या बात, जैसे कि हम घर के अंदर बैठे हैं और बारिश के बाद में जब अचानक से ऐसा पता चलता है। क्या नाम आपका, कौन से स्कूल से? रोहतक से। बहुत अच्छी बात है मेरे बाबू, बहुत शानदार, करो आगे बढ़ो। गुड़िया आप क्या बना रहे हैं, जरा दिखाओ जरा क्या बनाया आपने? थोड़ा जोर से बोलो, जोर से। अच्छा बहुत अच्छा, आपके मैम ने भी हेल्प किया आपको अपने आप से ही? चलिए बहुत शानदार, कौन सी जगह से हैं आप? तो स्कूल का नाम क्या है और आपका क्या नाम है दोनों का आपका? चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों हमारी तरफ से भी। रेन डिटेक्टर सारे बच्चों ने वही बनाया, क्यों अलग अलग नहीं बनाया? वही दे रखा था आपको कि ये करना है। शुभ नाम क्या आपका, कौन से स्कूल में, कौन सी जगह? कलौंदा दिल्ली पंजाब दादरी चार। अच्छा दादरी दिल्ली, दिल्ली दिल्ली। क्या नाम आपका? अच्छा आपका हर्षिता, हर्षिता कौन सी क्लास है? तो क्या बना रहे हैं आप, वाटर लेवल डिटेक्टर, जैसे करके दिखाओ जरा। हाँ हाँ बोलो, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। और अगर वाटर टैंक में 500 ml वाटर होगा तो ये वाली ग्रीन वाली जलेगी, और अगर वाटर टैंक में 750 ml वाटर होगा तो रेड एलईडी जलेगी, और अगर वाटर टैंक पूरा फिल होगा तो ये बजर बीप करेगा। अच्छा हमें पता चल जाएगा कि हमारा टैंक जो फुल हो गया। जैसे घर पे हम लोग अपना लगाते हैं, आपने उसी मेथड से उसको बनाया ना, अलार्म बजता है कि भाई आप बंद कीजिए या जो भी उसका ट्यून होता है। हाँ चलिए बहुत खूब, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी बच्चे आप भी वही सेम? जी सर।
तो ये मतलब कंपटीशन में दे रखा था सब्जेक्ट की, इसके ऊपर ही वर्क करना है, वाटर लेवल के ऊपर ही वर्क करना है। ये दिखाओ जरा डेमो करके। वाह, आपको साउंड मिल जाएगा आपके रूम में जहां आपके वेल का कनेक्शन है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन सी जगह से आप? हरियाणा। क्या नाम आपका? आपका वो आपका कौन सी जगह से? फरीदाबाद से। तो आपको ये कॉन्सेप्ट मतलब स्कूल की तरफ से था या सब बच्चों के लिए इक्वल था कि वाटर लेवल को कैसे या वाटर सेव कैसे करें उसके ऊपर क्या था कॉन्सेप्ट? सबका इक्वल था, सबका एक ही बच्चों एक ही वर्ग था। तो मतलब ऐसे क्यों चुना गया कि सब वाटर के ऊपर ही क्यों फोकस किया गया? ताकि सारे बच्चों के अंदर ये जागृति आए कि वो पानी को कैसे सेव कर सके, और जब बच्चे जान पाएंगे तो अपने घर पे अपने आस पड़ोस में अपने दोस्तों सबको भी अवेयर कर सकते हैं। शुभ नाम क्या आपका? निखिल। आपका? सूरज। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? देखिए ना साइड पर, साइड में आइए या तो आप इधर ही इधर सामने देखिए, सामने सामने देखिए, सामने बड़े क्लैप करते जाना। जो जोनल राउंड का कंपटीशन हुआ उसमें हम लोगों की स्कूल के दो बच्चे क्लास 9 के समर्थ त्रिवेदी और अभिषेक सिंह दोनों ने थर्ड पोजीशन प्राप्त करके ये फाइनल राउंड के लिए बेंगलोर में जो 28 अगस्त होगा उसके लिए सेलेक्ट हुए। तो मैं इस ब्रिलियो और जो स्टेम है इन दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगा, इन्होंने हमारे बच्चे को जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जिसकी वजह से हमारे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो बच्चों में कंपटीशन है ये तैयारी करा रहे हैं, इसका पर्पज क्या है और ये कब से शुरू हुआ और क्या इसका उद्देश्य है बच्चों के लिए? ये जो स्टेम वाला लैब है अभी मई 2024 में हमारी स्कूल में इस्टेब्लिश हुई, इसमें ये हम लोगों को सारे साइंस के इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाते हैं और उन इक्विपमेंट को लेकर हम लोग हमारे क्लासरूम में जो भी उससे रिलेटेड कोई टॉपिक्स है तो उसको उससे समझाते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चे में एक वो साइंटिफिक टेम्परामेंट वो डेवलप होता है और अभी छोटे से जब बच्चा कुछ स्किल्स डेवलप, जो भी हमारे पीएम प्रधानमंत्री जो हैं उनका भी जो ये मोटो है कि स्किल इंडिया, तो वो बच्चों में अभी से स्किल हम लोग डेवलप करवाने की इस वाले कंपटीशन के थ्रू कोशिश कर पा रहे हैं। इससे पहले तो ये प्रयोग नहीं हुआ था अभी तक? नहीं, ये हम लोगों का फर्स्ट टाइम है। जिन जिन स्कूलों में इन्होंने स्टेम लैब इस्टेब्लिश करवाई है उन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी टोटल कितने होंगे स्कूल जो सेलेक्ट किए गए? अभी 3 स्कूल राजस्थान राजस्थान से सर, जैसे मेरा बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 6 स्टेम लैब इस्टेब्लिश हुई है केवल मेरे बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और जो अदर डिस्ट्रिक्ट जैसे जयपुर है वहाँ पर भी कुछ इस्टेब्लिश कर। तो आपके बच्चों को जो सपोर्ट मिलता है ये जितने भी एनजीओज हैं उनकी तरफ से है? नहीं सर, एनजीओ नहीं, एक एनपीसीआईएल जो भारत सरकार का प्रोग्राम है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
उसके साथ ये एनपी इसका स्टेम लैब का कोलेबोरेशन है, तो वो हम लोगों को फंड प्रोवाइड करवाता है और उसी के थ्रू हमारे सारे इक्विपमेंट आते हैं, ताकि तो बच्चे सीएसआर के थ्रू वो काम कर रहे हैं हमारे स्कूल में। अच्छा, सीएसआर के थ्रू। हाँ। तो बच्चों को मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम इस ढंग से आत्मनिर्भर बना देंगे, टेक्निकल पॉइंट से सक्षम बना देंगे, तो आने वाले टाइम में वो खुद भी सक्षम होगा और हमारे परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये इसका मोटो यही है इस वाले कंपटीशन करवाने का कि बच्चे में जैसे जैसे स्किल्स डेवलप होगी तो वो आत्मनिर्भर बनेगा, खुद से कुछ इनोवेटिव कर पाएगा और उसके इनोवेशन से हमारे समाज को, हमारे देश को बहुत फायदा होगा। बेटा आपका नाम और कौन से स्कूल? ठीक है। और ये साथ में और हमारे साथ तालिब सर और हम ऐसे ऐसे कालकाजी से आए हैं। हमने ये इस कॉम्पिटिशन में वोटर लेवल टिकट बनाया था और इस तरह से भी जैसे एक ही नेम पावर का है, फिर जो बाकी बैट्स हैं वो अलग अलग लेवल पे लगाए जाएंगे, जिससे कि अलग अलग लेवल का पता लगेगा कितना वाटर पड़ता है। जैसे कि ये 200 ml पे लगा रहेगा, तो जैसे ही 200 ml वाटर ऊपर आ जाएगा ये फर्स्ट LED ग्लो करने लगेगी, फिर ये दूसरी LED। ये जो बजर वाली वायर है टॉप पे लगेगी और जैसे ही मतलब टॉप तक पानी आ जाएगा इसे पता लग जाएगा कि टॉप तक टैंक भर चुका है, बजर बजेगा। मेरा नाम और हमारे यहाँ मेरे साइंस सेंटर को लगभग ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है और उसका जो हमारे अपने पढ़ाने में जो योगदान रहा है वो आज आप यहाँ देख सकती है कि हमने नेशनल जो साइंस चैलेंज है वो अपने यहाँ ऑर्गेनाइज कराया और क्लस्टर लेवल का भी हमारे ही यहाँ वेन्यू था और उसके बाद बच्चे जो है वो जोनल लेवल तक पहुँच पाएंगे। यहाँ से बच्चे जो जीत सके वो आगे फाइनल्स तक पहुँचेंगे और फिनाले में वो सब बच्चे बैंगलोर जाने वाले हैं, जैसे कि हमने ऐसा सुना हुआ है। उम्मीद है वो बच्चे पहुँचेंगे भी ज़रूर। हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जहाँ हमारे बच्चे जो है साइंस और मैथ्स और इंजीनियरिंग में आगे बढ़ने का उनको अवसर मिल पा रहा है, वो आगे निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं और हम इसके लिए बहुत ही खुश हैं और धन्यवाद देते हैं स्टेम लैंडिंग को और ब्रिलियो को, जिनकी दोनों की ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही हम यहाँ कंडक्ट करवा पाए हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।